नमस्कार मित्रांनो, पीएस एज्युकेशन अकॅडमीमध्ये आपले स्वागत आहे। दोस्तों, तो आज हम कक्षा 10वी विषय हिंदी दिन 39 का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, तो आज हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, उन तीनों प्रश्न में हमें वृत्तांत लेखन करना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अपनी पाठशाला में मनाए गए योग दिवस का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल काल घटना का होना आवश्यक है। तो हमें सबसे पहले लिखना है योग दिवस समारोह, उसके नीचे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, उसके नीचे हमें दिनांक लिखनी है 21 जून 2021। उसके बाद हमें वृत्तांत लेखन लिखना शुरू करना है। तनवानी विद्यालय औरंगाबाद में योग दिवस अनेक प्राणायाम और आसन के साथ बड़े उत्साह में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस निरीक्षक श्री निखिल गुप्ता जी थे। विद्यालय के मुख्य अध्यापक श्री विवेक शर्मा जी ने पुष्पगुच्छ देकर अतिथि जी का स्वागत किया। योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के मैदान में किया गया था। इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थी तथा शिक्षक सम्मिलित हुए। विद्यालय के योग शिक्षक द्वारा सारे प्राणायाम और योग आसन विद्यार्थियों के साथ किए गए। यह कार्यक्रम पूरे 2 घंटे तक चला। अंत में अतिथि द्वारा सर्व उपस्थित लोगों का धन्यवाद देकर कार्यक्रम समाप्त किया गया। दोस्तों, हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, सावित्रीबाई फुले विद्यालय में मनाए गए बालिका दिवस समारोह का वृत्तांत लिखे। वृत्तांत में स्थान कल घटना का उल्लेख आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है बालिका दिवस समारोह विशेष प्रतिनिधि द्वारा, दिनांक 24 जनवरी 2020। सावित्रीबाई फुले विद्यालय जोधपुर में बालिका दिवस बड़े उत्साह में मनाया गया। समारोह के प्रमुख अतिथि श्री ललित सिंह जी थे। विद्यालय के मुख्य अध्यापक द्वारा अतिथि जी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में प्रमुख अतिथि द्वारा बालिका दिवस पर विशेष टिप्पणी की गई और बालिका दिवस का महत्व बताया गया और विद्यालय के सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस मतलब आत्म सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए सेल्फ डिफेंस की टिप्स भी दिए गए। इस प्रकार सावित्रीबाई फुले विद्यालय में बालिका दिवस सम्पन्न हुआ। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, समता विद्यालय में मनाए गए वार्षिक पारितोषिक समारोह का वृत्तांत लिखे। वृत्तांत में स्थल काल घटना का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, हम लिखेंगे वार्षिक पारितोषिक समारोह कार्यक्रम प्रतिनिधि द्वारा, दिनांक 15 मार्च 2020। समता विद्यालय पुणे में वार्षिक पारितोषिक समारोह उत्तीर्ण और आदर्श विद्यार्थियों को पुरस्कार देते हुए सम्पन्न हुआ। समारोह के शुरुआत में विद्यालय के संचालक श्री मनोज तिवारी जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। खेल परीक्षा ओलंपियाड प्रदर्शन में उत्तीर्ण और प्रथम द्वितीय तृतीय विद्यार्थियों को पारितोषिक दिया गया और विद्यालय के संचालक द्वारा इन विद्यार्थियों का गौरव भी किया गया। अंत में विद्यालय के संचालक द्वारा विद्यार्थियों को अधिक पढ़ाई करने की सलाह दी और उपस्थित लोगों का धन्यवाद देकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। वीडियो आवडल्यास लाइक आणि सब्सक्राइब करायला विसरू नका।